गाइज, आपका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले स्टेशनरी आइटम की अनबॉक्सिंग। तो ये हमारी कुल्हाड़ी है, पहले दिखा देता हूँ क्या क्या है। ये एक एकदम स्केल है, मस्त सा, इसमें गेम भी फिट है, स्पिनर है, और ये एक मस्त सा किट है, ड्राइंग किट। यहाँ पे स्टेपलर है, पेन है, पेंसिल है, रिफिलर है, और ये क्या इसको कहते हैं, इसके अंदर जो फिट होता है वही है, उसका नाम मैं भूल गया। और ये एकदम मस्त से पेन पेंसिल है, ये अलग तरीके की है, मैं इसे बताता हूँ आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर ली जाए इसकी, ये सबको साइड करते हैं अभी। तो अब सबसे पहले हम इसको कर देते हैं अनबॉक्स। इसकी पैकेट थोड़ी सी छोटी है, इसे निकल लेते हैं। और ये एक पेन है, सिंपली मैं बता रहा हूँ। इधर से भाला, इधर से कुल्हाड़ी, पीछे वाला ये खुल जाता है और ये भी खुल जाता है, ये देखिए खुलता है। और इधर से पेन है, लिख के भी दिखाता हूँ अभी कैसा है। जैसे ये कुल्हाड़ी है और हमें पेज को अगर काटना है तो ऐसे तो काट ही सकते हैं। और इसका एक और यूज़ है कि इससे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे अभी मैं लिखता हूँ। अभी स्टार्टिंग है तो शायद ये अच्छे से चलने लायक चलेगा। अच्छा चल रहा है वैसे तो। ये जेल पेन है, पीछे भी नहीं छपेगा। सब्सक्राइब सुपर आर्यन गेमिंग नाउ। ये कितना अच्छा हुआ आप देख सकते हैं। और पीछे इसका थोड़ा भी इफेक्ट हो तो थोड़ा बहुत पड़ रहा है, वो तो सब पेन में पड़ता है। तो इसी तरीके का है ये कुल्हाड़ी पेन। तो अब इसको कर देते हैं साइड। ओह चलो वो साइड। सेकंड में हमारा आ जाता है स्पिनर। स्पिनर किस काम में आता है तो आपको पता ही है, मैं बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसे एक बार घुमा के दिखाते हैं। ये देखिए, एक हाथ से तो ऐसे ही नचेगा क्योंकि एक हाथ से तो कैमरा है। ये देखिए तो स्पिनर को भी अब करते हैं साइड। थर्ड में हमारे पास आइटम है पेंस, तो पेन पेंसिल है। ये अच्छा वाला पेन पेंसिल, ये देखिए ये खुल गया। इसमें इरेजर फिट है यहाँ पे, ये देखिए इरेजर। इसे मिटा के भी दिखाएंगे, फिलहाल पहले इसे चला के दिखाते हैं। तो यहाँ पे पेज की मदद करते हुए यहीं पे लिखते हैं SUPER सुपर आर्यन गेमिंग इज नाउ 260 SUBSCRIBER सब्सक्राइबर्स। अभी सुपर आर्यन गेमिंग चैनल पे 260 सब्सक्राइबर्स है। जब मेरे 1 मिलियन हो गए तो मैं ये वीडियो देख के हैरान होऊंगा। फिलहाल अब इस इरेजर को भी दिखाते हैं यूज़ करके। ये इसके अंदर मिला था, ये लिखाया अच्छा है, कितना अच्छा। एक हाथ से ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पा रहा हूँ, बट मिटा तो दूंगा ही ना। ये देखिए कितना अच्छा मिटा है ना, तो नो प्रॉब्लम है। और ये पेन पेंसिल का बाय द वे, अगर आपका लोरी टूट गया तो कैसे होगा, ये देखिए इसे आप निकाल लोगे, ठीक है। मान लो कि इसका लोरी टूट गया, ये अच्छा नहीं है, तो ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, ये वाला लेकर और इसके पीछे ऐसे करके घुसा देना है, लग जा, ये ऐसे डल गया। और इसे प्रेस करना है और आगे आप देख सकते हैं, अरे यार निकल रहा है, ये डल जा। चलिए गाइस इसको प्रेस करिए और आगे देखिए ये कौन नया लोली आ गया। तो अगर लोली टूट जाता है, इसमें 10 है ऐसी, 10 ये मतलब रिफिल आता है इसका, आपको मार्केट में मिल जाएगा। ऐसी पेन पेंसिल अगर आप मंगाते हो तो ऐसे यूज़ कर लेना। और ये अगर पूरा सारा टूट गया तो नया रिफिल ले लेना। सब पेन इसी तरीके की है। अब इनको भी कर देते हैं साइड। बढ़ते अपने फोर्थ स्टेशनरी आइटम की ओर। ये है एंग्री बर्ड्स का स्केल, एकदम अमेजिंग, इसके अंदर गेम भी है। तो चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं। इधर से खुलेगा, इस साइड से मूव है। चलो इसके पन्नी को कर देते साइड। और ये आप देख सकते हैं कैसा इसके ऊपर ऐसा है पूरा का पूरा बैक साइड से। अब मैं सिंपली इसका यूज़ दिखाता हूँ। एक तो ये स्केल है, मैं लाइन खींच के अभी दिखाता हूँ एकदम एक्स कुल्हाड़ी वाले पेन से। ये देखिए, ओह सीधा नहीं खींचा पा रहा, क्या करूँ, एक हाथ से खींच के कोशिश कैसे करूँ, एक हाथ से तो खींच ही नहीं सकता। चलो ओ यार
इससे पहले की बहुत दिक्कत होता, मैं वीडियो रोका और खींच लिया। ये देखिए कितना अच्छा लाइन खींचा है। और कर्व्ड सरफेस से एक बार खींच के देखते हैं। तो कर्व सरफेस से मैंने एक ये खींचा और एक और खींचा हूँ। ये देखिए ये भी अच्छा है, आप अगर ग्रीटिंग कार्ड्स किसी के लिए बना रहे हो तो ये आपको हेल्प करेगा। और बाय द वे इसके गेम की बात कर ली जाए तो अंदर आप देख सकते हैं 3 बॉल्स है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसे इस तरीके से ये वाला जो है ना, ये वाला इसे खींचते हैं। अरे खींच जा जा, तो खींच लिए, बॉल कहीं भी हो नीचे आ जाता है। तो ये देखिए अब 3 बॉल यहाँ पे आ गया है। और अब ये वाला जो है इस साइड, ये वाला, इसको जब हम खींचेंगे, ये देखिए, अरे खींचा और खींच लिए, अब बॉल्स इधर आ रहे हैं। ये देखिए अब बॉल्स इधर आ गए। अब हम लोग इसको ऐसे खींच के प्रेस करके इसे फेंकेंगे। ये देखिए अब फिर से बॉल्स इधर आ गए। ऐसे ही करके आप खेल सकते हो। इधर पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, पॉइंट्स से जो ज़्यादा पॉइंट बनाएगा वो जीत सकता है। तो फोर्थ हमारा आइटम यही था, इसको भी कर देते हैं साइड। और सबसे मेन आइटम की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं, जो है हमारा, ये मुझे पता है 120 रुपीज़ का, जिसके अंदर एक पेन है, ये भी है, एक स्टेपलर। और इसे ओपन करते हैं। चलिए, इसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ, नॉट सूटेबल चाइल्ड अंडर 3 या 3 साल से कम के बच्चे को लिए ये सूट नहीं करता। तो चलिए अब इसे ओपन करते हैं। एक मिनी स्टेपलर हमको देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है, छोटा सा। तो इसे एक हाथ से कैसे ओपन करूँ, नोचता हूँ इस साइड से, खुल जा, अरे खुल भी जा, खुल ही नहीं रहा। चलो चलो, इस साइड से खुल रहा है, खुल जा, दूसरे हाथ को लगाते हैं गाइस। चलिए दूसरे हाथ को लगा के थोड़ा सा खोला मैंने, रोटी की तरह मैं इसे तोड़ रहा हूँ, खुल गया। ओ यार, कुछ से इसी से खोलता हूँ, कहीं स्किन मुँह ना टूट जाए, मेरा 40 रुपया बर्बाद हो जाएगा इससे। तो चलो, ये ओपन हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें एक, वो इसके अंदर है पिंस। उसके बाद है, तो ओपन करते हैं स्टेपलर। ये स्टेपलर हमारे पास, स्टेपलर है यहाँ पे। देखते हैं क्या है, पेन है या पेंसिल है। 2 है हमारे, ये 4 रिफिल है, ये 4 रिफिल्स। ओह भागो मत, 2 पिंक है और 2 वाइट है। 4 रिफिल्स, 1 पेन, 1 ये, अरे इसे स्टेपलर पिन, हाँ स्टेपलर पिन, और ये स्टेपलर। इसके अंदर एक और है, ये भी शायद पेन ही है। तो इसे देखते हैं, ये भी चल जाता है साइड में। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले इसे देखते हैं ये क्या है। मैं अभी तक खुद अपने ना, मतलब खुद नहीं देखा हूँ। पीछे हेलो लिखा है। इसके ढक्कन को उतारते हैं। और ये क्या है, क्या ये प्रेस वाला पेन है, व्हाट, क्या है ये? अच्छा समझा, इसके अंदर फ्री फिल दिया है ना, ये इसके अंदर नहीं दिया, इसको हम लोग को खुद से लगाना पड़ेगा। तो चलिए लगाते हैं। किस साइड से ओपन होगा ये, इस साइड से ही खुलेगा लगता है, खुल नहीं रहा ये, खुल जा। गाइस वीडियो रोक के खोलता हूँ, फाइनली खुल गया। इस साइड से ही खुलता है ये। अरे यार अब तो निकल जा, हाँ निकला। अब इसके अंदर डालते हैं ये, फिर पीछे से ये। अरे डलता क्यों नहीं, हाँ चलो अब ये निकल गया, फाइनली इट्स लॉक। अब इसे लॉक करते हैं वीडियो लॉक के। गाइस ये पूरा लग ही नहीं रहा, पर ये आधा ही लगा। तो अब लिख के देखते हैं ये पेन कैसा है 20 रुपये के अनुसार। क्या यार ये तो चल ही नहीं रहा, शायद न्यू है ना इसलिए। व्हाट, मेरे साथ स्कैम कर दिया यार उन्होंने, ये क्या घटिया उबरा है। ये पेन उगता है, देखो ये पेन उगता है, ये मत खरीदना यार, क्या ये पेन उग रहा है। चलो रिफिल चेंज करके ये रिफिल एक बार ट्राई करते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट। यार ये रिफिल भी सड़ा है, और ये थोड़ा सा ठीक है बट सड़ा है, रुक के चल रहा है, मत खरीदना ये 120 रुपये का। ये फिर बात करते हैं, ये पेन है या क्या है, ट्विन आर्ट, लेट्स ओपन, 2 साइड इसमें। अच्छा ये मार्कर है, ये चला के देखते हैं, ARYAN,
SIMG, अच्छा ये अच्छा है, उतना गाढ़ा नहीं है बट अच्छा है। इस साइड भी, इस साइड से क्या है, इस साइड से भी मार्क कर। अच्छा ये इधर मोटा है, इधर पतला है, पतला वाला उगाते हैं। नो डिफरेंस बट गुड, इससे तो अच्छा है भाई, ये सड़ा दिया है। और ये पिंक वाला है यार, मैंने नहीं देखा इसके अंदर क्या है। इसको ओपन करते हैं, ये तो चल ही नहीं रहा, चमक रहा है बस। अरे चला चला चला, घटिया यार ये, घटिया। इसको फेंको, ये रखने लायक है ही नहीं, ये रखने ही लायक नहीं है। फेंको इसको, कहाँ, ये फेंको, ये भी फेंको, ये भी फेंको, फेंको फेंको। अरे ढक्कन मैंने क्यों फेंका इसका, आ जाओ भाई ढक्कन तो आ जाओ। चलो इसको ढक्कन लगाते हैं। अभी मैं स्टेपलर भी एक बार लगा के दिखाऊंगा उसे भी। चलो पहले इसका ढक्कन लगा देते हैं, एक हाथ से। अभी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं ना तो दिक्कत हो रहा है। ढक्कन को फेंको। अब देखते हैं कि इसके अंदर कितना सारा दिया है आखिर। स्टेपलर का वो जो पिन होता है, अभी ओपन किधर से होगा, इस साइड से ओपन हो गया। व्हाट यार, कितना तो छोटा सा दिया है, वो भी दो सिल्फ। इतना बड़ा डब्बा था, खाली है अब ये। फेंको इसे भी, सिर्फ दो पीस दिया है मुझे इसने। और स्टेपलर, स्टेपलर है बट ज़्यादा ये भी मजबूत है, नहीं टूट सकता है। चलो इसे चेक करते हैं, सही दिया है या ये भी खराबी मिल गया। व्हाट, हाँ चलो यहाँ पे लगेगा, ये लग गया अब। ये अब इसे बंद करते हैं, बंद हो जा। चलो गाइस ये बंद हो गया। अब एक बार इसे ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे। अरे ये तो हवा में ही अटक गया, क्या हुआ ये। एक बार अच्छे से फिर से करते हैं, सर प्रेस करेंगे जोर से। अरे ये स्टेपलर भी ख़राब निकला है, ये 120 रुपया बर्बाद है। ये 10 रुपये का मार्कर मिला है, वो भी 5 ही रुपये का लगता है। और ये क्या यार, इस किट में कुछ नहीं है। मतलब वो सब तो ठीक थे बट ये लास्ट वाला किट मैंने ये खास समझा था बट वही ख़राब निकला। तो गाइस ऐसे ही और स्टेशनरी के आइटम्स को देखने के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट में बताओ क्या देखना चाहते हो, इसी तरीके के और वीडियोज़ देखना चाहते हो या क्या, तो कमेंट करो यार। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।